हेलो एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी है ब्लूबेरी स्मूदी। आज मैं आपके लिए समर स्पेशल स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने बनाई है ब्लूबेरी से। मैंने अपने चैनल पे अदर स्मूदीज़ और शेक की रेसिपीज़ भी डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगेन, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ब्लूबेरी समर्स में सबको बहुत पसंद आती है, तो यमी यमी सी स्मूदी ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा। होप करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो इस स्मूदी की रेसिपीज़ के साथ और भी रेसिपीज़ का कलेक्शन मेरे YouTube चैनल के साथ साथ वेबसाइट पे भी मिलेगा। prishkitchen.com की एक वेबसाइट लॉन्च हुई हुई है, आप चाहें हैं तो वहाँ उसके रेसिपी सेक्शन में जाकर और जितनी भी रेसिपीज़ मैंने अब तक अपलोड करी हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसका रेसिपी सेक्शन बिल्कुल अच्छी अच्छी रेसिपी से भरा हुआ है। तो बस आपको गूगल पे केवल prishkitchen.com डालना है, और जैसे ही आप prishkitchen.com लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी और चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्लूबेरी स्मूदी। तो यमी यमी स्मूदी की रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम को ख़राब करे स्टार्ट करते हैं। तो जी, स्वागत है आपका प्रिश किचन में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिंपल रेसिपी। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है। ब्लेंडिंग जार में मैं डालूंगी हमारा पहला इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ब्लूबेरीज। तो मैंने हाफ कप के करीब ब्लूबेरीज ली हैं। तो बस इस ब्लूबेरीज को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब वॉश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे कि जो है वो हमारी चीनी। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब पाउडर्ड शुगर ली है, मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहें तो क्रिस्टल शुगर भी ले सकते हैं। बस अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, जो कि है हमारी दही। तो यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब कर्ड ली है, दही ली है। तो इससे स्मूदी जब भी बनाते हैं तो हल्की सी दही ज़रूर डालते हैं थोड़ी खटास के लिए। तो बस अब हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है हनी। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब शहद डाली है। अब इसको डालने के बाद हम अपना डालेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है दूध। यहाँ मैंने 1 ग्लास के करीब चिल्ड मिल्क डाला है, और मैंने दूध को उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में रख दिया था 1 to 2 आवर्स के लिए, और वो ठंडा हो गया। वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फुल क्रीम दूध, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमारी जो स्मूदी है वो रेडी हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें वनीला आइसक्रीम भी यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज़ अगेन ऑप्शनल, और ब्लूबेरी आइसक्रीम भी यूज़ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट जनरली स्मूदीज़ में आइसक्रीम्स थोड़ी सी हम अवॉइड करते हैं। तो बस हमारा ये यमी यमी सा ब्लूबेरी स्मूदी रेडी हो गया है। ग्लास भी मैंने बिल्कुल रेडी करके रखे हैं ब्लूबेरी लगा के। तो बस ये स्मूदी हम इसमें पोर कर सकते हैं, कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं ठंडा और रिफ्रेशिंग इसको बनाने के लिए। तो बस ये हमारा यमी यमी सी ब्लूबेरी स्मूदी बन के रेडी हो गई है। बनाना स्मूदी, बनाना शेक, ये सब रेसिपीज़ मैंने डाल रखी हैं, मैंगो आइसक्रीम, फलूदा, तो समर की सारी रेसिपीज़ चैनल पर डली गई हैं। तो ये ब्लूबेरी स्मूदी भी रेडी हो चुकी है, आप सारी रेसिपीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।